दोस्तों बाड़मेर इतिहास रचने जा रहा है। कल लगातार बाड़मेर में 12 घंटे तक सफाई अभियान चलेगा। बीते दिनों बाड़मेर की नई जिला कलेक्टर आईएस टीना डाबी ने नवो बाड़मेर के कार्यक्रम का आगाज किया था। उसके तहत 22 भामाशाहों ने बाड़मेर के अलग अलग मुख्य मार्ग, सड़कें, चौक और गलियां उन्होंने गोद ली थी। उसके तहत आज की अगर बात करें तो युवा उद्यमी भामाशाह जोगेंद्र सिंह चौहान ने एक उदाहरण पेश किया है। उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर जो है जो वादा किया था वो करके पूरा करके दिखाया है। उन्होंने जो स्मारक गोद लिया था उसका नवीनीकरण जो है वो पूरा का पूरा करके दिखा दिया है। और आज जिला कलेक्टर टीना डाबी ने जो है उसका निरीक्षण भी किया था और वापस जो है आभार भी जताया है जोगेंद्र सिंह चौहान का। और उसी को लेकर कल बाड़मेर जो है इतिहास रचने जा रहा है। वहां पर कल बाड़मेर में लगातार 12 घंटे तक जो है सफाई अभियान चलेगा। अब पूरी जानकारी आपको बता दे, नवो बाड़मेर अभियान के तहत बुधवार को लगातार 12 घंटे सफाई अभियान के माध्यम से बाड़मेर इतिहास बनाएगा। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। और आपको बता दें, बाड़मेर शहर में लंबे समय से एकत्रित कचरे को वाहनों के माध्यम से जो है वहां से हटाया जाएगा। यह सफाई अभियान बुधवार प्रातः सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक जो है ये अभियान चलेगा। इसके तहत लगातार 12 घंटे जो है सफाई की जाएगी और इसके लिए समुचित तैयारियां जो है वो सुनिश्चित हो चुकी है। और आपको बता दें, जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि नवो बाड़मेर अभियान के तहत बाड़मेर शहर को स्वच्छ बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। बाड़मेर शहर के चौराहे, वार्ड पार्कों के भामाशाहों को गोद दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने बुधवार को बाड़मेर शहर बेगा सफाई अभियान चलाने का जो है निर्णय लिया। बाड़मेर शहर में जगह जगह पर एकत्रित पुराने कचरे को व्यापक तौर पर अभियान चलाते हुए हटाया जाएगा। इसके लिए जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, यूआईटी सचिव, उपखंड अधिकारी बाड़मेर एवं नगर परिषद आयुक्त के निर्देशन में सफाई अभियान जो है वो संचालित किया जाएगा। और आपको बता दें कि बीते दिनों जो नवो बाड़मेर के कार्यक्रम का जो आगाज किया गया था उसके तहत भामाशाहों ने जो है शहर को अलग अलग जगहों को जो है गोद लिया था और उसके लिए को कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। और आपको बता दें, साथ ही इसके लिए 6 जेसीबी, 6 ट्रक सफाई के साथ साथ शहर के विभिन्न इलाकों में पहुंचकर लंबे समय से एकत्रित कचरे को हटाने का कार्य जो है वो संपादित करेंगे। इसके अलावा नवो बाड़मेर के तहत नियुक्त किए गए 21 विभागीय अधिकारी संबंधित वार्डों में नियमित रूप से सफाई को जो है वो उसका निरीक्षण करेंगे, उसकी जाँच करेंगे, उसकी व्यवस्था जो है वो कराएंगे। सफाई अभियान में सहयोग के लिए प्रत्येक वार्ड में सफाई मित्र भी जो है नियुक्त किए जा चुके हैं। और आपको बता दें, नगर परिषद की ओर से बाड़मेर शहर के प्रमुख स्थानों पर डस्टबिन जो है वो लगाए जाएंगे। इसके लिए नगर परिषद आयुक्त को निर्देशित जो है वो कर दिया गया है। आयुक्त कलेक्टर परिषद में बुधवार तक सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करवाने का जिम्मा जो है प्रशासनिक अधिकारी अस्तिमल जो है उनको सौंपा गया है। और शहर के विभिन्न वार्डों में अलग अलग जो अधिकारी हैं वो लगाए गए हैं और वो जो कल अभियान चलेगा उसको लेकर जो है वो लगातार पूरी मॉनिटरिंग जो है वो करते देंगे। जुड़े रहे तमाम प्रकार की अपडेट के लिए द कटक के साथ। मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर।